बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के खिलाफ रांची कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। अमीषा के ऊपर 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। फिल्म प्रोड्यूसर अजय कुमार ने बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के खिलाफ फिल्म बनाने के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का आरोप लगाया है, जिसकी सुनवाई लंबे वक्त से कोर्ट में चल रही थी। अजय का आरोप था कि अमीषा ने फिल्म देसी मैजिक के सिलसिले उनसे 2.5 करोड़ रुपए लिए थे। फिल्म प्रोड्यूसर के मुताबिक 2017 में अमीषा से मुलाकात के दौरान उनकी फिल्म को लेकर बात हुई थी। तब फिल्म बन ही रही थी और उसके कई महत्वपूर्ण हिस्से की शूटिंग भी हो चुकी थी। हालांकि पैसों की कमी के कारण फिल्म बीच में ही रुक गई, इसलिए अजय ने 2.5 करोड़ रुपए फिल्म में निवेश किए थे। फिल्म की शूटिंग रुकने के बाद जब भी अजय ने उनसे पैसे वापस मांगे तो अमीषा ने टाल दिया। इसके बाद अमीषा ने उन्हें 3 करोड़ रुपए का एक चेक दिया, लेकिन अजय ने जब वो चेक बैंक में लगाया तो वो बाउंस हो गया, जिसके बाद अजय ने अमीषा के खिलाफ रांची की अदालत में केस दर्ज करवा दिया। अजय का ये भी कहना है कि केस दर्ज करवाने के बाद भी अमीषा से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया। आपको बता दें, अमीषा लंबे वक्त से फिल्मी पर्दे से दूर हैं, लेकिन हाल ही में वो बिग बॉस 13 में नजर आई थी, जिसके बाद उनकी चर्चा फिर से शुरू हो गई थी। बिग बॉस 13 में वो एक दिन की मालकिन बनी थी। हालांकि बिग बॉस में आने के लिए भी काफी ट्रॉल किया गया था उन्हें।